हेलो फ्रेंड्स और हमारे प्रिय छात्रगण, एक बार फिर मैं स्वरूप सर आपका स्वागत करता हूं। छात्रगण, जैसा कि इसके पहले वाले क्लासेस में मैंने बताया था कि जेपीएससी पीटी पेपर 2 में एक चैप्टर है झारखंड आंदोलन, और उस आंदोलन के तहत बहुत सारे आपको चैप्टर पढ़ने हैं। उसी चैप्टर में पढ़ना है आपको झारखंड के सदान, झारखंड के आदिवासी, झारखंड राज्य का आंदोलन, झारखंड का स्वतंत्रता आंदोलन भारत के संदर्भ में, और झारखंड का विद्रोह। ये सारे 5-6 चैप्टर आपको झारखंड आंदोलन के तहत ही पढ़नी है। उसी में जैसा मैंने बताया कि झारखंड आंदोलन के तहत ही आपको पढ़नी है झारखंड के सदान। ये चैप्टर आपको मैंने पढ़ाया, बताया और समझाया भी कि सदान किसे कहते हैं। आपने इसका संपूर्ण नोट्स भी लिखा है। उसी झारखंड आंदोलन के तहत ही आज का मेरा चैप्टर है झारखंड के आदिवासी। ऐसा सिलेबस लिखा गया है कि झारखंड के आदिवासी, मतलब कहना चाह रहा है झारखंड की अनुसूचित जनजाति शेड्यूल ट्राइब ST, ये कहना चाह रहा है चैप्टर। तो छात्रगण, मुझे पढ़ना है झारखंड के अनुसूचित जनजातियां। छात्रगण, जैसे मैं बता दूं आपको, संपूर्ण विश्व में अनुसूचित जनजातियां, आदिवासी के बारे में गहन अध्ययन और विचार किया जा रहा है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि कहीं ना कहीं ये आदिवासी अनुसूचित जनजाति ही हमारे पूर्वज के सही वंशज को इंगित करते हैं। छात्रगण, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 342 के तहत झारखंड के 32 जनजातियों को अधिसूचित किया गया है, मान्यता प्रदान की गई है कि झारखंड में 32 अनुसूचित जनजाति हैं, आदिवासी हैं। संविधान के तहत राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि कौन अनुसूचित जनजाति है या नहीं है, ये निर्णय राष्ट्रपति करते हैं। मतलब 342 आर्टिकल के तहत राष्ट्रपति द्वारा झारखंड के 32 जनजातियों को अधिसूचित किया गया है। अब प्रश्न उठता है छात्रगण कि आखिर अनुसूचित जनजाति आदिवासी किसे कहेंगे। तो सामान्य रूप से बोला गया है कि वैसे जाति जो जंगलों के आसपास निवास करते हुए अपना जीविकोपार्जन प्राइमरी सेक्टर से, प्राथमिक क्रिया से करते हैं, वो जंगलों के आसपास ही रहना पसंद करते हैं। इसके अलावा उनकी अपनी एक अलग संस्कृति, भाषा, कल्चर अक्षुण्ण बनाए रखने की क्षमता होती है, या ओवरऑल ये कह सकते हैं कि वैसी जाति जो जंगलों के आसपास रहना पसंद करते हुए प्राइमरी सेक्टर से, प्राथमिक क्रिया से अपने जीविकोपार्जन करते हैं, एवं जिनकी भाषा संस्कृति औरों से अलग होती है और वो अपना अक्षुण्ण बनाए रखते हैं, उसे ही सामान्य रूप से आदिवासी के नाम से पुकारी जाती है। छात्रगण, इसके तहत झारखंड के 32 जनजातियों को अधिसूचित किया गया है राष्ट्रपति के द्वारा।
इसी के तहत इसी कैटेगरी में देखा गया तो जब झारखंड अलग हुआ उस समय 30 जनजातियां ही या 30 को ही 30 जातियों को ही अनुसूचित जनजातियों में अनुसूचित किया गया था। बाद में 8 जनवरी 2003 को दो और जातियों को अनुसूचित जनजातियों में अधिसूचित कर लिया गया जो है 31वां कवार और 32वां कोल। कवार और कोल को भी कोल जाति को भी अनुसूचित जनजाति में शामिल कर लिया गया। इस प्रकार वर्तमान में 32 जनजातियों को मान्यता प्राप्त है कि यही 32 जनजाति झारखंड में अनुसूचित जनजाति है। छात्रगण इस 32 जनजातियों में 24 सबसे प्रमुख जनजाति है, मतलब इस 32 में 24 ही प्रमुख जनजाति है। 8 जनजाति को जो अन्य 8 जो बच गए हैं उसे आदिम जनजाति की संज्ञा दी गई है। आदिम जनजाति की संज्ञा दी गई है शेष 8 को। झारखंड में कुल 32 जनजातियों की मान्यता प्राप्त है या 32 जातियों को अनुसूचित जनजातियों में अधिसूचित की गई है, जिसमें से किस आर्टिकल के तहत तो 342 के तहत। इसमें भी जब झारखंड अलग बना तो उस समय 30 जातियों को ही एसटी में अधिसूचित किया गया था। बाद में 8 जनवरी 2003 को 31वां जनजाति के रूप में कवार और 32वां के रूप में कोल जाति को भी अनुसूचित जनजाति में शामिल कर ली गई। इस 32 में 8 जो इस 32 में 24 जो हैं वो मुख्य जनजाति हैं और शेष 8 जो हैं उसे आदिम जनजाति की संज्ञा दी गई है, जो देखा जाए एक तरह से अल्पसंख्या के रूप में है, बहुत अति पिछड़े हैं। वह हैं 8 आदिम जनजाति। वो जो 8 आदिम जनजाति हैं उसमें से हैं असुर, बिरहोर, ब्रिजिया, असुर, बिरहोर, ब्रिजिया, कोरबा। देखिए असुर, बिरहोर, ब्रिजिया, कोरबा के अलावा माल, पहाड़िया, सौरिया, पहाड़िया। छात्रगण यहां पर पढ़ना है आपको असुर, बिरहोर, ब्रिजिया, कोरबा, माल पहाड़िया, सौरिया पहाड़िया के अलावा एक है शबर और एक है परहिया। तो झारखंड के 32 जनजातियों में 24 मुख्य हैं और 8 को आदिम जनजाति की संज्ञा दी गई है। वो 8 हैं असुर, बिरहोर, ब्रिजिया, कोरबा, माल पहाड़िया, सौरिया पहाड़िया, सबर और परहिया। इन 8 को अनुसूचित जनजाति के तहत आदिम जनजाति की मान्यता प्रदान की गई है। ये प्रश्न विभिन्न परीक्षाओं में पूछी जाती है कि इनमें से कौन या इनमें से किसे आदिम जनजाति की वर्ग में रखी गई है। ये प्रश्न जेपीएससी प्रीलिम्स में भी पूछी गई है। तो छात्रगण आपको जानना है कि कौन कौन एसटी आदिम जनजाति हैं। 8 हैं असुर, बिरहोर, ब्रिजिया, कबर या बोल सकते हैं उसको शबर के अलावा माल पहाड़िया, सौरिया पहाड़िया और परहिया। इन 24 में से 8 को
आदिम जनजाति की संज्ञा दी गई है। देखा जाए तो 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजाति या आदिवासी कुल जनसंख्या का 26.2% है, कुल पॉपुलेशन का 26.2%। यद्यपि देखा जाए तो झारखंड के आदिम जो जनजाति हैं, आदिम 8, वे झारखंड के कुल जनसंख्या का मात्र 0.72% है। यद्यपि झारखंड में सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति की संख्या वाला जिला मुख्य रूप से पश्चिमी सिंहभूम, रांची इत्यादि का क्षेत्र है, लेकिन प्रतिष्ठा की दृष्टि से झारखंड का सबसे अधिक आदिवासी का अगर कोई इलाका है तो वो है आपका खूंटी, जहां पर 73% आबादी केवल अनुसूचित जनजातियों की है। तो छात्रगण, सबसे अधिक आदिवासी कहां निवास करते हैं? तब तो उसका उत्तर होगा पश्चिमी सिंहभूम। प्रतिष्ठा में कहां है? तब तो उसका उत्तर होगा खूंटी। और झारखंड में सबसे कम अनुसूचित जनजाति अगर कहीं निवास करता है तो वो है आपका कोडरमा, जहां 1% से भी कम पॉपुलेशन आदिवासियों की है। यदि देखा जाए तो झारखंड का उत्तरी भाग पलामू, चतरा, कोडरमा, हजारीबाग, गिरिडीह, ये 4-5 जो क्षेत्र है यहां पर आदिवासियों की संख्या बहुत ही कम है। छात्रगण, जो आदिवासी हैं वो आदिवासी देखा जाए तो झारखंड में जो आदिवासी हैं वो मुख्य रूप से प्रोटो ऑस्ट्रेलियाड देखा जाए तो एक वर्ल्ड की, विश्व की एक प्रजाति है, क्योंकि विश्व के सभी मनुष्य, सभी मानव जाति कोई ना कोई प्रजाति से ही संबंधित रखते हैं, कोई ना कोई प्रजाति का ही भाग है। जैसे सारे विश्व के अंग्रेज काकेशियन प्रजाति के हैं, उसी प्रकार झारखंड के जो आदिवासी हैं वो आदिवासी देखा जाए तो कौन सी प्रजाति का भाग है? तो उसका उत्तर होगा प्रोटो ऑस्ट्रेलियाड प्रजाति के ही संबंध रखते हैं। यद्यपि झारखंड के जो आदिवासी हैं वो श्रीलंका के बेद्दा, श्रीलंका के बेद्दा और ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी से स्पष्ट इनका संबंध दिखता है। अतः बोल सकते हैं कि झारखंड के जो जनजाति हैं वो प्रोटो ऑस्ट्रेलियाड समूह से संबंध रखते हैं। यद्यपि भाषाई दृष्टि से, भाषा की दृष्टि से देखा जाए कि इनकी जो लैंग्वेज है, इनको जो बोलते हैं वो किससे संबंध रखते हैं, तो उसका उत्तर होगा आस्ट्रिक। आस्ट्रिक मतलब प्रोटो ऑस्ट्रेलियाड जो प्रजाति है उनकी भाषा आस्ट्रिक है। तो बोल सकते हैं कि झारखंड के जो जनजाति हैं वे भाषाई दृष्टिकोण से उसे दो वर्ग रखते हैं, एक आस्ट्रिक और एक द्रविड़ियन। द्रविड़ियन मतलब झारखंड के जनजाति एसटी कुछ समान रूप से प्रोटो ऑस्ट्रेलियाड के अंतर्गत तो जरूर रखते हैं प्रजातिक दृष्टिकोण से, परंतु भाषाई दृष्टिकोण से इसे दो भाग रखते हैं, आस्ट्रिक और द्रविड़ियन। आस्ट्रिक जो जिसका संबंध प्रोटो ऑस्ट्रेलियाड से है, और द्रविड़ जिसका रिलेशन दक्षिण से है, संबंध दक्षिण से है। झारखंड में जो जनजाति है उसमें से एक जनजाति है उरांव, जिनकी भाषा है कुड़ुक। उरांव की भाषा है कुड़ुक, और राजमहल के आसपास निवास करने वाली दो जनजाति है,
एक का नाम है सौरिया पहाड़िया, एक का नाम है माल पहाड़िया, उनकी भाषा है मालतो। तो झारखंड के उरांव की कुड़ुक और सौरिया पहाड़िया और माल पहाड़िया की भाषा जो बोलते हैं मालतो, इन दोनों का संबंध जो है वो है द्रविड़ियन से, दक्षिण भारत की लैंग्वेज से। तो छात्रगण भाषाई दृष्टिकोण से इसे स्पष्ट रूप से दो भागों में रखते हैं। यद्यपि देखा जाए तो मैक्सिमम अधिकतर जनजातियों की भाषा आश्रित है, लेकिन सौरिया पहाड़िया माल पहाड़िया की भाषा मालतो और उड़ाव की कुड़ुक का संबंध कहाँ से है, तो उसका उत्तर होगा दक्षिण के द्रविड़ियन से इसका संबंध माना जाता है। छात्रगण बता दूं आपको कि झारखंड में जो 32 जनजातियां हैं उस 32 में 4 सबसे प्रमुख जनजाति अगर है तो वो है संथाल, उसके बाद उरांव, उसके बाद मुंडा, उसके बाद हो। यद्यपि 5वें नंबर पर अगर कोई जनजाति है तो वो है खरवार। झारखंड के 32 जनजातियों में 4 सबसे प्रमुख जनजाति है। सबसे अधिक 35% संथाल है, लगभग 19% उरांव है। देखा जाए तो 50% जनजाति की संख्या में संथाल उरांव ही है, मतलब झारखंड के कुल जनजातियों में 50-70%, 4-5 अनुसूचित जनजातियों का ही योगदान है। सबसे अधिक संथाल हैं जो संथाल परगना के जिलों में निवास करते हैं। दूसरा अगर कोई अनुसूचित जनजाति की संख्या है लगभग 19%, तो वह है उरांव, झारखंड के दक्षिणी भागों में निवास करते हैं, रांची इत्यादि क्षेत्रों पर। तीसरी जनजाति है मुंडा, जो सबसे अधिक रांची जिले में है। उसके बाद हो और 5वें नंबर पर है खरवार। तो झारखंड की 4 प्रमुख जनजातियां कौन है, घटते क्रम में बड़ा से अधिक तो होगा संथाल, फिर उरांव, फिर मुंडा और फिर हो। 5वें नंबर पर है खरवार, जो झारखंड की सबसे लड़ाकू अनुसूचित जनजाति मानी जाती है, जो पलामू में निवास करती है। ओवरऑल देखा जाए तो झारखंड की अनुसूचित जनजातियां पितृसत्तात्मक है, परंतु उसमें जेंडर भेद, लिंगीय भेद नहीं दिखाई पड़ते हैं। साथ ही साथ ओवरऑल सभी अनुसूचित जनजातियों का देवता सूर्य है, बूंगा है। इसके अलावा देखा जाए तो झारखंड के अनुसूचित जनजातियों में जो समाज है में बड़ा विभेद दिखाई नहीं पड़ता है, और झारखंड के कुल अनुसूचित जनजातियों में से 91% पॉपुलेशन ग्रामों में ही, गांवों में ही निवास करती है, और मात्र 8-9% जनसंख्या ही शहरों के आसपास दिखाई पड़ती है। तो छात्रगण मैं यहाँ केवल आपको एक सामान्य परिचय दे रहा था आदिवासी के बारे में। अब हम लोग ये चैप्टर का नोट्स लिखना प्रारंभ करेंगे, तो आपका चैप्टर का हेडिंग होगा झारखंड के आदिवासी / या झारखंड के अनुसूचित जनजाति और शॉर्टकट में ST शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल ट्राइब। और इसका आप लोग फर्स्ट पॉइंट लिखिए, पहला पॉइंट है संविधान के अनुच्छेद 342 के अनुसार, संविधान के अनुच्छेद 342 के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा झारखंड के 32 जातियों को
संविधान का अनुच्छेद 342 के अनुसार झारखंड के संविधान का अनुच्छेद 342 के अनुसार या के द्वारा राष्ट्रपति द्वारा झारखंड के 32 जातियों को आदिवासी के रूप में अधिसूचित आदिवासी के रूप में अधिसूचित किया गया है। यद्यपि उसी में लिखिएगा यद्यपि झारखंड गठन के समय यद्यपि झारखंड गठन के समय 30 जातियां ही एसटी एसटी की श्रेणी में आते थे एसटी की किस श्रेणी में आते थे। बाद में भारत सरकार ने 8 जनवरी 2003 को झारखंड की 31वीं जनजाति के रूप में कवर 31वीं जनजाति के रूप में कवर क व र कवर और 32वीं जनजाति के रूप में कोल को एसटी की श्रेणी में मान्यता प्रदान की गई। नेक्स्ट पॉइंट, समान रूप से वैसी जातियां जो जंगलों के आसपास रहना पसंद करते हुए अपना जीवकोपार्जन प्राथमिक क्रिया से करते हैं एवं जिसकी अपनी एक अलग भाषा और संस्कृति एवं जिसकी अपनी एक अलग भाषा और संस्कृति कल्चर होती है जो वे अक्षुण्ण बनाए रखते हैं समान रूप से उसे ही अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में रखा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, झारखंड के 32 जनजातियों में 24 जनजातियां झारखंड के 32 जनजातियों में 24 जनजातियां प्रमुख श्रेणी में एवं
आठ जनजातियों को एवं आठ जनजातियों को आदिम जनजाति के रूप में रखा गया है। नेक्स्ट पॉइंट, झारखंड की आठ आदिम जनजातियां इस प्रकार है। असुर, बिरहोर, बिरिजिया, सबर, कोरबा, असुर, बिरहोर, बिरिजिया, सबर, कोरबा, माल पहाड़िया, सौरिया पहाड़िया, माल पहाड़िया, सौरिया पहाड़िया और परहिया नेक्स्ट पॉइंट, झारखंड की अधिकांश जनजातियां प्रोटो ऑस्ट्रेलियाड प्रोटो ऑस्ट्रेलियाड प्रजाति से आती है। और इन जनजातियों को वनवासी मतलब वनों में रहने वाले वनवासी, गिरिजन और इन जनजातियों को वनवासी, गिरिजन, आदिम जाति इत्यादि नामों से पुकारा जाता है नेक्स्ट पॉइंट, सन 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड के आदिवासियों की संख्या 86,45,042 है 86,45,042 है जो कुल जनसंख्या का 26.2% है उसमें यद्यपि झारखंड के आदिम वही आठ वाले जनजातियों की संख्या 192,425 है 192,425 मात्र है 192,425 मात्र है जो झारखंड की कुल जनसंख्या का
मात्र 0.72% है, 72% है। नेक्स्ट, भाषाई दृष्टिकोण से या भाषा के आधार पर, भाषाई दृष्टिकोण से या भाषा के आधार पर झारखंड के जनजातियों को दो भागों में आस्ट्रिक भाषा समूह, आस्ट्रिक भाषा समूह और द्रविड़ियन भाषा समूह में रखते हैं उसी में। झारखंड की अधिकांश जनजातियां आस्ट्रिक भाषा समूह से आती है। झारखंड की अधिकांश जनजातियां आस्ट्रिक भाषा समूह से आती है, परंतु उरांव की भाषा कुड़ुक, परंतु उरांव की भाषा कुड़ुक और सौरिया पहाड़िया माल पहाड़िया की मालतो और सौरिया पहाड़िया और माल पहाड़िया की भाषा मालतो को द्रविड़ियन भाषा समूह में रखी जाती है, द्रविड़ियन भाषा समूह में रखी जाती है। नेक्स्ट पॉइंट, यद्यपि पूरे झारखंड में आदिवासियों की संख्या कम अधिक, यद्यपि पूरे झारखंड में आदिवासियों की संख्या कम अधिक, कम या अधिक सभी जिलों में दिखाई पड़ता है, परंतु झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम में सबसे अधिक आदिवासियों की संख्या निवास करती है। तथा प्रतिष्ठा की दृष्टि से सबसे अधिक जनजातियां खूंटी जिले में निवास करती है, जबकि सबसे कम जनजातियां
निवास करती है। नेक्स्ट पॉइंट, झारखंड के 32 जनजातियों में, झारखंड के 32 जनजातियों में सबसे अधिक संथाल, सबसे अधिक संथाल, उसके बाद क्रमशः उरांव, मुंडा, हो, जनजाति की है, हो जनजाति की है। यद्यपि पांचवी बड़ी जनसंख्या खरवारों की है, खरवारों या खरवार की है, खरवार की है, जो पलामू में या जो पलामू प्रमंडल में सबसे अधिक निवास करती है या बसती है। नेक्स्ट पॉइंट, समान रूप से जनजातियों की समाज पितृसत्तात्मक और कृषि ही इनके जीविकोपार्जन का मुख्य स्रोत है। यद्यपि देखा जाए तो आदिम जनजातियों की अर्थव्यवस्था आखेट, शिकार और झूम कृषि पर आधारित है। नेक्स्ट पॉइंट, समान रूप से झारखंड के जनजातियों में खड़िया और बिरहोर जनजाति का आगमन कैमूर की पहाड़ियों की तरफ से माना जाता है, जबकि मुंडा जनजाति के रूप में मान्यता है कि इस जनजाति ने रोहतास क्षेत्र से होकर छोटा नागपुर में प्रवेश किया था।
और झारखंड में नाग वंश की स्थापना और झारखंड के नाग वंश की स्थापना में मुंडा जनजाति का अहम योगदान रहा है। मुंडा जनजाति का अहम रोल या अहम योगदान रहा है। उसमें देखिएगा, इसी प्रकार उरांव जनजाति दक्षिण भारत के निवासी थे जो विभिन्न स्थानों से होकर छोटा नागपुर में प्रवेश कर गए। तो छात्रगण, अभी हमने केवल आपको ये परिचय दिया कि आदिवासी क्या है, इसको भाषा और प्रजाति दृष्टि में कैसे किस श्रेणी में रखते हैं, 32 में कौन 8 आदिम जनजाति है, उनकी प्रतिष्ठा कितनी है, ओवरऑल प्रतिष्ठा कितनी है, सबसे अधिक कौन अनुसूचित जनजाति है, उसके पश्चात कौन है, फिर पश्चात कौन है, किसकी क्या प्रतिष्ठा है। हमने ये बताया कि झारखंड में जो अनुसूचित जनजाति है उनका जीविकोपार्जन और समाज ओवरऑल कैसा दिखता है। छात्रगण, अब हम नेक्स्ट क्लास में ये बात करेंगे कि झारखंड में जो 32 जनजातियां हैं उस 32 जनजातियों का कुछ खास महत्वपूर्ण पॉइंट्स की चर्चा करेंगे, संथाल का, समाज, अर्थव्यवस्था, सामाजिक स्थिति, उनका कल्चर, उनका समाज, उनकी भाषा, उनके समाज में होने वाले घटनाओं का जिक्र, हम एक एक करके 3200 जनजातियों की चर्चा हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके, थैंक यू।